ओके स्टूडेंट, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क वी हैव गिवन आर जो ये टू पोर्ट नेटवर्क है उसके हमें जेड पैरामीटर दे रखे हैं 50, 10, 30, 20। ये सारे ओम में इन द टू पोर्ट नेटवर्क कैलकुलेट एवरेज पावर डिलीवर्ड टू 100 ओम रजिस्टर। ये 100 ओम रजिस्टर लगा हुआ है इसके साथ, तो उसमें कितनी एवरेज पावर डिलीवर्ड की जाएगी ये बताना है। तो ये रजिस्टर है, अगर हम इसके एक्रॉस वोल्टेज या करंट फाइंड कर लें हमारा काम बन जाएगा। मान लो इसमें जो करंट होगी, ये टू पोर्ट नेटवर्क है, तो इसके एक्रॉस इधर साइड से क्या होगा, ये V1 वोल्टेज होगा। इसमें करंट कितनी एंटर कर रही होगी, I1। यही होता है टू पोर्ट नेटवर्क का साइड। ऐसे ही इस साइड होगा V2, इसमें कितनी करंट एंटर कर रही होगी, I2। हमें चाहिए क्या, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू 100 ओम। अगर इस वाले 100 ओम में मुझे करंट पता चल जाए तो ये करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है, ठीक है। तो मुझे किस टाइप की करंट चाहिए, इस टाइप की, ठीक है। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड टू 100 ओम क्या होगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट यानी ये I2 हो रही है, उसका मोड, मोड का स्क्वायर इंटू ये। तो एवरेज पावर जो होगी P100, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितनी होगी, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मोड ऑफ I2, ये I2 होगी ना, इसका स्क्वायर इंटू 100 ओम। तो I2 का मोड ये कितना जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे I2 की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, एवरेज पावर निकाल दूंगा। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, मैं KVL लगाता हूँ यहाँ पे, KVL लगाओ इसमें, कितना आएगा ये V2 आ गया यहाँ से, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 100 I2। इसी तरह से यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन नंबर ये बना गई, इक्वेशन नंबर यहाँ से बनाओ एक, माइनस 120 प्लस 40 I1 प्लस V1 इजिकल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, हमें दे रखे हैं जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर क्या होते हैं, मैंने बताया जेड पैरामीटर जो होते हैं V1 V2 इस फॉर्म के होते हैं, Z11, Z12, Z21 और Z22, I1, I2, ठीक है। ये V1 और V2 क्या होने चाहिए, टू पोर्ट नेटवर्क के एक्रॉस वाले वोल्टेज, ठीक है। ऐसे I1 और I2 उसमें फ्लो होने वाली करंट। तो यहाँ से देखो V1 V2 हमें Z पैरामीटर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, जेड पैरामीटर तो गिवन है हमें 50, 10, 30, 20, 50, 10, 30, 20, I1, I2 मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से V1 क्या आ जाएगा मेरा, 50 I1 प्लस 10 I2, ये आ गया V1। और V2 निकालो ऐसे ही, 30 I1 प्लस 20 I2। अब हम देखो वैल्यू निकाल चुके हैं, V2 की वैल्यू माइनस 100 I2 आई है, मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थर्ड कहता हूँ, इसको फोर्थ कहता हूँ। तो यहाँ पे देखो V2 की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस 100 I2, तो V2 की जगह लिख लिया मैंने माइनस 100 I2 30 I1 प्लस 20 I2, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ एंड कौन सा 1। तो इसको इधर ले आया, ये हो जाएगा माइनस 120 I2 30 I1। तो यहाँ से 30 से इसको डिवाइड किया तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4 I2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ मैं, I1 की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए I2 की वैल्यू। अभी I1 की वैल्यू I2 की टर्म आई है, अब मैं क्या करता हूँ, जो हमें इक्वेशन नंबर 1 की मैंने इस वाली I1 की वैल्यू इसमें लगा दो, ठीक है। यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी, तो V1 निकाल लो यहाँ से, फ्रॉम थर्ड निकालता हूँ मैं, क्या निकलेगा, मैं V1 इक्वल्स टू 50 माइनस 4 I2, I1 की जगह लगा दिया मैंने 10 I2। तो ये कितना आ गया, माइनस 200 प्लस 10 यानी माइनस 190 I2, ठीक है। तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ। अब देखो V1 की वैल्यू आ गई, हमने इक्वेशन नंबर 2 जो बनाई थी वहाँ V1 की जगह लगा दो, I1 की वैल्यू लगा दो, तो वो I2 टर्म आ जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ माइनस 120 I1 और V1 की वैल्यू लगा के, ठीक है, फ्रॉम 2।
तो ये कितना आ जाएगा -120 एट एन एंगल ऑफ जीरो प्लस 40 I1, I1 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे देखो -4 I2 प्लस V1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -190 I2 इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं इधर ले गया, ये हो गया 160 I2 और 190 I2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 120 प्लस का, तो ये कितना हो गया 350। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 120 अपॉन माइनस ऑफ 350। ठीक है, हमें क्या चाहिए I2 का मोड चाहिए, क्योंकि रजिस्टर है तो हमें उसके एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंगल क्या आया उसका, तो I2 का स्क्वायर इंटू 100। तो I2 का मोड क्या कितना आ गया, मुझे यहाँ से मोड चाहिए इसका 120 अपॉन 350, तो ये आ गया 12 अपॉन 35। 100 ओम के एक्रॉस पावर कितनी आ गई थी मोड ऑफ I2 स्क्वायर इंटू 100। I2 कितना देगा 12 अपॉन 35 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वो आएगा 11.75 वॉट। ठीक है, पावर इसके एवरेज पावर है तो वॉट में आएगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, उसके वेरिएबल को रिड्यूस करते हैं ना, केवल हमें एक वेरिएबल को रिड्यूस करना था, इक्वेशन यूज करनी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।